हेलो गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आई एम बैक विद माय न्यू वीडियो। लगभग 4 महीने बाद मैं अपना वीडियो बना रहा हूँ। लास्ट टाइम जब मैंने अपना पहला वीडियो अपलोड करा था, आई प्रोमिस्ड यू गाइस कि जो मैंने बताई वीडियो के अंदर वो अप्लाई करो और 3-4 महीने के अंदर आपका चेंज आएगा। मुझे काफ़ी कमेंट मिली हैं और काफ़ी लोगों ने थैंक्स कहा है इस बात के लिए कि दे कैन सी द इम्प्रूवमेंट। हेयर फॉल स्टॉप हुआ है, मे बी रीग्रो प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है, बट हेयर फॉल स्टॉप बहुत अच्छी तरीके से हुआ है। सो आई एम रियली हैप्पी टू हियर दैट। गाइज, आज नया वीडियो बनाने का मकसद है सिर्फ कि आपको कुछ नई चीज़ें बताऊँ मैं आपको। जैसे कि लास्ट वीडियो में बताया था आपको प्याज अप्लाई करना, गर्म तेल से मसाज, नेल रबिंग और कुछ चीज़ें मैंने आपको छोड़ने के लिए कहा था। सो मे बी यू गाइज डिड इट, थैंक्स। सो आई एम बैक विद न्यू थिंग्स गाइज। सो कुछ लोगों ने कंप्लेंट करी थी कि वो प्याज का रस नहीं लगा पा रहे, प्याज का जूस नहीं लगा पा रहे, स्मेल आती है, ऑफिस जाना होता है और भी कुछ काम होते हैं इसलिए लगा नहीं पा रहे। गाइस, जो भी ऑनियन जूस लगा रहे हो आप, प्याज का रस लगा रहे हो, आप लगाते रहिए। गर्म तेल से मसाज प्रॉपर तरीके से करते रहिए डेली बेसिस पे, बहुत ही हेल्दी है वो। क्योंकि जो गर्म तेल की मसाज करते हैं हम, जो हेयर की डेड सेल्स हो जाती हैं, जो सेल्स ख़त्म हो जाती हैं, उनमें वो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से दोबारा से स्टार्ट कर देता है। तो ये बेनिफिट है मेरे हिसाब से तो गर्म तेल से मसाज करने का। गाइस, जो भी आप लोगों में से, भाइयों में से अगर ओनियन जूस नहीं लगा पा रहे स्मेल की वजह से, गाइस फॉर रीग्रो मैंने अब फिलहाल तो ओनियन जूस बंद कर दिया लगाना। उसकी जगह मैं 2 चीज़ें ले आया हूँ, एक आंवला का पाउडर और एक महाभृंगराज का पाउडर। महाभृंगराज बालों के लिए बहुत ही हेल्दी है और मेरे हिसाब से कह सकते हैं कि एक रामबाण है। मैंने 3-3.5 महीने तक प्याज, 4 महीने तक ओनियन जूस लगाया, अब मैंने बंद कर दिया क्योंकि हेयर फॉल स्टॉप हो चुका है मुझे, तो ओनियन ने अपना काम कर दिया। अब मैं रीग्रो की कोशिश कर रहा हूँ गाइस, तो इसके लिए मैंने एक चीज़ अप्लाई करी है, आंवला का पाउडर और महाभृंगराज का पाउडर भी लाया था, अभी वो ख़त्म हो गया है। तो ये 2 चीज़ें लेके आया हूँ मैं, इनका मिक्स लेप करके और अपने बालों के ऊपर लगाइए आप, पानी के अंदर घोल के हल्का मिक्स लेप, थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए, बालों के ऊपर लगाइए और अंदर तक जड़ों तक लगाइए आप, और लगभग 40-45 मिनट तक इसको सर के ऊपर रखिए। और ये आप हफ्ते में 3 बार कर सकते हैं, 4 बार भी कर सकते हैं, पर 3 or 4 times यू कैन डू इट, इट्स ऑल नेचुरल, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है गाइस, बहुत हेल्दी चीज़ है ये। और मैं बहुत ही, आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे एक और नई चीज़ मिल गई। ये मेरे एक ही खास दोस्त ने मुझे प्रेफर करा था, उसने बताया कि वो भी जूस अप्लाई करा था ओनियन का, उसका हेयर फॉल तो स्टॉप हो गया बट रीग्रोथ नहीं हो पा रहा प्रॉपर। सो मैं, उसने मुझे बताया कि आप महाभृंगराज और आंवला का पाउडर अप्लाई करिए, इससे हेयर फॉल तो स्टॉप होगा ही होगा, साथ में रीग्रो होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। सो प्लीज़ गाइस, ये आज ही ऑर्डर कर दीजिए, जाके किसी शॉप से लेके आइए या फिर आप ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। आंवला का पाउडर और महाभृंगराज का पाउडर दोनों का मिक्स लेप करके आपको लगाना है, और इसके बाद गर्म तेल से मसाज करना गाइस मत भूलना, बहुत हेल्दी चीज़ है। बिफोर बाथ, जब आप नहाने जाओ उससे 25-30 मिनट पहले या 10-15 मिनट पहले, जैसे अब आपको सूटेबल लगे, मसाज करिए। कोकोनट ऑयल यूज़ कर लीजिए या फिर आप मस्टर्ड ऑयल, अगर मस्टर्ड ऑयल नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल यूज़ करिए, बेस्ट है मेरे हिसाब से। उसकी मसाज करिए हफ्ते में 6-5 बार, जितना मैक्सिमम आप कर सकते हैं उतना करिए, बहुत हेल्दी है। और नेल रबिंग भी करें गाइस, नेल रबिंग के लिए ध्यान रहे कि जो हमारे हाथ हैं इनके, ये जो है ना, यहाँ से मत रगड़ना आप इनको, आगे से बिल्कुल जो बैक पार्ट है यहाँ से, इनको यहाँ से रगड़ना है आपको, बिल्कुल बैक वाले पार्ट को, ये जो वाइट वाइट रहता थोड़ा हल्का ऊपर, ये और इस खाल के बीच जो मिक्स होता है यहाँ पे बिल्कुल कोने में, इसको रब करना आपको, क्योंकि ये एक्चुअल नेल रबिंग है। हम करते रहते हैं, कहीं भी रगड़ते रहते हैं, यहाँ पे आगे बीच में, ये कोई इफेक्टिव नहीं है गाइस, दिस इज़ नॉट इफेक्टिव एनी मोर। आपको यहाँ पे लगाना है, ये जो वाइट वाइट दिख रहे हैं, देख सकते हैं वाइट वाला ये, और इस खाल के बिल्कुल जो ऊपर स्किन है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे आप रब करना है आपको,
और दोनों को मैं बराबर बराबर, ये नेल रबिंग एक्सरसाइज है प्रॉपर। सो गाइज यू कैन डू इट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। महाभृंग रास का पाउडर लाना आपको और आंवला का पाउडर लाना, मिक्स लेप करके लगाना है और हॉट गर्म तेल से मसाज करते ही करते रहना आप हमेशा, प्लस नेल रबिंग करते रहिए। अगर आप कुछ और एडवांस एक्स्ट्रा करना चाहें तो करते रहिए, और चाहो तो आप ऑनियन का जूस भी अप्लाई करते रहो। अगर आपको ऑनियन जूस अप्लाई करने के बाद आपका हेयर फॉल स्टॉप हो गया है तो आप प्लीज यू कैन स्टार्ट आंवला पाउडर और महाभृंग रास पाउडर। और अगर आपको लगता है कि प्याज के जूस से या रस से अभी कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है आपको, मे बी आपकी स्किन इसको प्रीफर नहीं कर रही हो, सो प्लीज गाइज एक बार और ट्राई करिए। आप मार्केट जाके आप महाभृंग रास और आंवला का पाउडर लेके आइए, मिक्स लेप करके लगाइए। गाइज बहुत हेल्दी है, मेरे बाल थोड़े से सिल्की हो चुके हैं, हल्के हल्के सिल्की हुए हैं और थोड़े से घने भी हो गए हैं और ब्लैक कलर में भी थोड़ा सा चेंज हुआ है। मुझे लगभग 1.5 महीना हो गया इसको लगाते हुए और मेरी इचिंग की प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो गई है, डैंड्रफ बिल्कुल ख़त्म हो गया है। सो यू गाइज कैन थिंक गाइज एक बार आप ट्राई करके जरूर देखिए। अगर आप चाहें तो अभी ऑनियन जूस को आप रोक सकते हैं, बंद कर दीजिए। अगर आप चाहें तो आपको कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं लग रहा है, बंद कर दीजिए और महाभृंग रास और आंवला का पाउडर लेके आइए। मे बी आपको बताए ना बताए, बट दीज आर नेचुरल थेरेपी गाइज, वेरी वेरी हेल्पफुल। और बात करते हैं शैम्पू गाइज, प्लीज डोंट चेंज योर शैम्पू, कीप अप्लाइंग दिस खादी सत्रीटा। ये खादी का प्योर हर्बल शैम्पू है, बहुत इफेक्टिव है, इससे ईचिंग की प्रॉब्लम और डेंड्रप की प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाएगा। गाइस बाकी आपको कोई क्वेश्चन है, आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर दीजिए नीचे। प्लीज सब्सक्राइब मोर एंड कमेंट एंड लाइक, थैंक यू गाइस। अगर आपको और क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट कर दीजिए, मैंने आपके लगभग 95% कमेंट्स का रिप्लाई किया है। आई विल डू दैट फॉर यू गाइज, एनी क्वेश्चन एनी डाउट प्लीज फील फ्री टू आस्क मी। थैंक यू गाइज, बाय।